नाउएडेज यू नो वेरी वेल कि बच्चे जो खेलते कम है, मोबाइल ज़्यादा, टीवी ज़्यादा, ये सारे देखते रहते हैं, तो उनका जो मतलब ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाता है ऐसे। एवरीवन नमस्कार, नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल ऑल थिंग्स टुगेदर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। एंड आज वंस अगेन मैं लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो, जो कि मैं भी उतनी ही इंटरेस्टेड हूँ वीडियो में, क्योंकि हर वीडियो में जैसे मैं रहती हूँ गाइज, लेकिन ये जो स्पेशली वीडियो है बच्चों के लिए है, बच्चों की ब्रेन एक्टिविटीज़ के बारे में है, उनके मोबाइल के एडिक्शन को कम करने के बारे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ गाइज, आई एम अ नॉर्मल मदर, और आई थिंक एवरी मदर आउट देयर इज अ एक्सपर्ट बिकॉज शी नोज एवरी थिंग अबाउट हर चाइल्ड। की वीडियो होगा एक अनबॉक्सिंग वीडियो, जैसे आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा। सो प्रिंट ऑफ बॉक्स इन हाश है, शायद 10 to 15 days से मेरे पास बैठे हैं, लेकिन बाकी के वीडियो की शेड्यूलिंग की वजह से इनका नंबर नहीं आया। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि व्हाट इज प्रिंटो बॉक्स, और जिनको नहीं पता है तो वीडियो देख के पता ही चल जाएगा। सो विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। बट बिफोर दैट, अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज व्हाई यू वेटिंग फॉर टू सब्सक्राइब माई चैनल। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलना, ऑल की कैटेगरी सिलेक्ट करना ना भूलना, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो के लिए आप नोटिफाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज अ प्लिंटो बॉक्स। सो गाइस, इस एक बॉक्स की प्राइस शायद 1100 rupees है, लेकिन सब्सक्रिप्शन में ये थोड़ा सा सस्ता गिर जाता है। गूगल प्ले स्टोर में इसका ऐप भी है, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। प्लिंटो बॉक्स एक 3 month और 12 month, 6 month के सब्सक्रिप्शन प्लान में आता है। 3 month का सब्सक्रिप्शन इज कंपलसरी। बहुत सारे चाइल्ड एक्सपर्ट ने मिला के इस बॉक्स को डिज़ाइन किया है, हर एज ग्रुप के लिए ये बॉक्स है। उनका सब्सक्रिप्शन में कुछ ऑफर रहती है उनकी, लेकिन मुझे ये जो बॉक्स मिला है गाइस 60% ऑफ में मिला है, प्लस मुझे बोनस वर्कशीट भी मिली जो कि पिछले मैंने उनकी कुछ ऑफर थी, तो ये बहुत ही अच्छी डील होगी मेरे लिए। तो इस टाइप का बॉक्स है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है बच्चों के लिए। सो व्हाट इज़ अ फ्लिंटो बॉक्स? तो फ्लिंटो बॉक्स हर एक एज ग्रुप के अनुसार आता है, जैसे 2 साल से बच्चों तक, आप 12 साल के बच्चों तक ये प्लान रहता है। 3 to 4 years की कैटेगरी में मेरा बच्चा आता है, तो मैंने उनका वो प्लान ले लिया। तो हर एक महीने में आप सब्सक्रिप्शन बॉक्स मिलता है, उसमें ढेर सारी एक्टिविटीज़ होती है गाइस। सो नाउअडेज आपको पता है कि बच्चे कितने बिजी रहते हैं अपने मोबाइल से। सो इसमें दी गई एक्टिविटीज़ से हम हमारे बच्चों को एंगेज करवा सकते हैं, उनका जो ध्यान है कहीं और बटाने के लिए। जो एक्टिविटीज़ आपके बच्चों की ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए होती हैं, उनका विजन क्लियर होता है, अलग अलग वे से थिंकिंग होती है उनकी, इम्प्रूवमेंट होता है, और वो इन्वॉल्व होते हैं हर एक चीज़ में, और खुद से ही कुछ इन्वॉल्वमेंट से वो नया करने की कोशिश करते हैं। सो मैंने जितना पढ़ा है, मैंने जितना सुना है प्रिंटो बॉक्स में, तो मुझे बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी लगी जो, जैसे कि अभी मानसून में उनकी एक्टिविटीज़ थी कि हाउ टू सेव वाटर, तो किस टाइप से हम वाटर को सेव कर सकते हैं, ये भी उनकी एक्टिविटी थी। एक बहुत सारी ढेर सारी एक्टिविटीज़ है जो आपके बच्चों को वन रूटीन से होती है, जो कि बच्चों को भी मज़ा आता है करने के लिए। मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर इसकी एडवर्टाइज देखी थी, बट आई एम नॉट श्योर कि लूँ या ना लूँ, बट पेरेंट्स मीटिंग की लास्ट टाइम मेरे बच्चे के स्कूल में टीचर ने सजेस्ट मी कि प्रिंटो बॉक्स इज़ अ गुड एक्टिविटी बॉक्स, जो कि आपके चाइल्ड को हमेशा क्रिएटिव रखती है, और इसका ब्रेन डेवलपमेंट एक वन रूटीन से होगा। आप डेफिनेटली ट्राई करो। सो आई थॉट कि नहीं, अभी तो लेना चाहिए, क्योंकि मुझे टीचर ने भी सजेस्ट किया है, एंड इट्स अ ट्रस्टेड ब्रांड। अभी तो अनबॉक्सिंग है गाइस की, इसमें क्या है अंदर, क्या मिला है मैं भी नहीं जानती, जो भी कुछ रहेगा आपके साथ मैं शेयर करूंगी। उसके बाद में मेरा बच्चा कैसा खरीदता है वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसका रिव्यू कैसा है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगी, सो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट। तो चलो गाइस अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो मुझे जो बॉक्स रिसीव हुआ था, इस टाइप से प्लास्टिक रैप हुआ था, एंड नॉर्मल स्टिकर है यहाँ पे, अपने प्राइवेट डिटेल्स, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह वगैरह, इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। और उसके बाद मैं ये पील कर रही हूँ अच्छी तरीके से। अब इसका कलर इतना वाइब्रेंट है, बहुत ही अट्रैक्टिव है गाइज। इसका ऐप भी है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं, टोटली फ्री है। एंड कार्डबोर्ड भी मतलब आई फील ना कि कार्डबोर्ड भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, एंड ये वेट बहुत है इसका, बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर से लग रही है, अब देखेंगे कितनी सारी चीज़ें निकलती है इससे। तो इसमें कुछ मेरे जो बोनस वर्कशीट है वो भी मुझे रिसीव हुई है, आप देख सकते हैं। ये जो है नॉर्मल एक इंफॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ पैम्पलेट है, यहाँ पे दिया गया है कि क्या क्या इसके अंदर है, जो एक्टिविटीज़ हमारे बच्चों को मिलने वाली है, दैट्स इट। और आप देख सकते हैं मुझे पहली बार तो रिसीव हुआ है वेलकम होम का एक स्टोरी बुक, जो कि 3D एनिमेटेड बुक है, आप देख सकते हैं इस टाइप का बुक है। इसका कार्डबोर्ड बहुत ही बढ़िया है गाइस, अच्छी क्वालिटी का है। ये जोर है नॉक नॉक,
और अगर आप ओपन करेंगे तो डोर इसका ओपन होता है, विंडोज़ ओपन होती है, और इसके जो स्टेयर्स हैं वो भी खुल जाते हैं मतलब ऊपर की तरफ से, और इसके जो ड्रॉवर्स हैं वो भी, मतलब आप बच्चों को स्टोरी बोलते हुए ये सारी बातें दिखा सकते हैं, वो इमेजिन कर सकते हैं, सो इमेजिनेशन उनका अच्छी तरीके से हो सकता है इससे। ये है मेरा जो वर्कशीट मुझे इसमें फ्री मिला था, बोनस वर्कशीट। तो ये जो है शेडो से इनको मैच करना है, नॉर्मल कलर करना है, स्क्वायर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इसमें जो बच्चों को पसंद आएंगी। क्रेयॉन से खेलना बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब पेंट करना समथिंग लगता है, तो बच्चे विल एंजॉय इट गाइज। सो फर्स्ट एक्टिविटी मुझे रिसीव हुई है, ये है नॉर्मल हाउस, और सेकेंड है माई बैनर का एक्टिविटी, थर्ड है अराउंड माई लोकेलिटी की एक्टिविटी। सो देखेंगे वन बाय वन इसमें क्या क्या निकलता है। नॉर्मल कॉटन बैग में हर एक एक्टिविटी का नाम लिखा है स्टिकर देके। फर्स्ट एक्टिविटी में ओपन करी हूँ माई हाउस की एक्टिविटी। सो गाइज ये जो है वुडन की होम शेप स्टिक्स है, तो प्रॉपर वुडन ही है, प्लास्टिक बिल्कुल भी नहीं है, एंड क्वालिटी भी अच्छी खासी है, ऐसे नहीं कि कोई भी है, मतलब हाथ ज़रा ज़ोर से करोगे तो टूट जाएगा, ऐसा भी नहीं लग रहा है। प्लास्टिक उसके साथ रिसीव हुआ है जो कि होम शेप का ही है, उसके ऊपर आपको स्टिक से होम बनाना है, उसके ऊपर ये डालना है। सो बच्चों का छोटा सा घर तैयार हो जाएगा गाइज। एंड उसके बाद में मुझे ये रिसीव हुआ है, ये कार्डबोर्ड टाइप ऑफ फ्लावर्स हैं जो आपको घर के बाहर स्टिक करवाने हैं और समथिंग लाइक दैट। ये जो मुझे है क्रेयॉन्स मिले हैं, एंड ये भी इसमें दिया है कि किस टाइप से आपको करना है। घर के बाजू में थोड़ा सा कुछ कलर करने के लिए है, और थोड़ा सा बटरफ्लाई है, तो उनको कलर करवा सकते हैं बच्चे, तो इसके लिए उन्होंने दिया है ये क्रेयॉन्स। सो गाइस इसमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि वुडन स्टिक के घर बनाने में थोड़ा सा उनको इतना दिमाग में नहीं जाएगा, तो हमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। सो जंप इन टू द सेकेंड एक्टिविटी जो कि है माई बैनर एक्टिविटी। इससे बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। सो माई बैनर मैंने तैयार किया है, किस टाइप से कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी हो तो वो एक दिमाग में आते ही उनका। सो इस टाइप से ये भी एक इन्फॉर्मेशन पैम्पलेट है जिसमें कैसे लगाना है, क्या करना है, इसका सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दिया है। इस टाइप से ये कार्डबोर्ड मुझे रिसीव हुआ है, एंड यहाँ पे लेटर्स है माय होम एंड 1 2 3 4 5 इस टाइप के नंबर है, एंड 3D एनिमेटेड जो गिफ्ट है उसका 3D एनिमेटेड पिक्चर है या टॉफी का है। सो आपको वो वेलक्रो से चिपकाना है। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस एक्टिविटी। आप देख सकते हैं ये वायर भी है जैसे शूज़ की होती है, नॉर्मल उसी टाइप की है, एंड स्टिक करने के लिए वहाँ पे उन्होंने हुक भी दिया है। यही 3D प्रिंटिंग वाला कार्डबोर्ड पैकेजिंग मैं बोल रही हूँ कि इसमें टॉफ़ी है, तो टॉफ़ी के ऊपर टॉफ़ी चिपकाना है, तो यहाँ पे हल्का सा वेलक्रो दिया है उन्होंने, तो उस टाइप से बच्चे कर सकते हैं, ये तो इजीली कर सकते हैं, लेकिन बैनर बनाने में थोड़ा सा आपका भी सपोर्ट लगेगा। सो किस ऑर्डर में हमें डालना है 1 2 3 4, और टॉफी कहाँ डालनी है, वायर कहाँ से कहाँ डालनी है जो स्ट्रेट लाइन में बैनर हमारा लग जाए, सो इसके लिए थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट हमारी लगेगी। सो उसके बाद में एक बार बच्चों को पता चल गया तो वो डेफिनेटली करेंगे। सो गाइज मूविंग आउट थर्ड एंड लास्ट एक्टिविटी, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी लगी। वंस अगेन ये है आपकी सिटी में जो भी कुछ आपके अराउंड लोकेलिटी है, ये व्हील दिया है उन्होंने, एंड व्हील पे एक एरो दिया है, जैसे ही वो एरो जिस जगह पे जाएगा आपके बच्चे को वहाँ जाना है, एंड ये बच्चे को आइडेंटिफाई करना है। सो इसको इमेजिनेशन एक बढ़ जाएगा, एंड उसकी आजू बाजू की लोकेलिटी लोकेट करने में उसका ब्रेन जो है ट्रेस कर पाएगा। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड एक्टिविटी। ये नॉर्मल प्लास्टिक में उन्होंने प्रिंट किया है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग में उन्होंने आप देख सकते हैं इस टाइप की लोकेलिटी दी है जो आपको बॉक्स टाइप ऑफ करनी है। सो गाइज इस लोकेलिटी को अच्छे तरीके से प्लेस करवाने के लिए रबर स्टिकर्स दी गए हैं, स्टिकर्स आपको पील करवाने हैं, एंड उसके बाद वो लोकेलिटी है वहाँ पे फिक्स हो जाएगी। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी। आप देख सकते हैं इस टाइप का जो एक पिक्चर में डाल रही हूँ, तो बच्चे आराम से जा सकते हैं कि स्कूल में जाना है, शॉपिंग मॉल में जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो दे लोकेट, और उसके बाद में हर टाइम वो लोकेट कर सकते हैं कि नहीं ये लोकेशन कौन सा है, तो दे कैन इजीली ट्रेस दी लोकेशन। सो दिस इज़ अ वंडरफुल एक्टिविटी गाइस। वो इतनी छोटी सी स्टेज में इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ मिल रही है जो कि हमें भी समझ में आएगा कि देखते हैं बच्चे जो हॉस्पिटल होते हैं, स्कूल देखते हैं, क्या वो उनको लोकेट कर पाते हैं, जो होम मेकिंग है, जो लोकेट करने की थिंग है, उनको थोड़ा सा हेल्प लगेगी हमारी स्टार्टिंग में, लेकिन आफ्टर दैट वो खुद से ही कर लेंगे। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या आता है पता नहीं है, नेक्स्ट एक्टिविटी या नेक्स्ट रिव्यू में करूँगी इसका। सिर्फ फॉर द वीडियो, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। अगर होता है
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।